हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या देखने वाले हैं? टिकटॉक। किसकी टिकटॉक है ये? इसका नाम तो नहीं पता लेकिन जानता हूँ मैं। क्या नाम? नाम नहीं पता। नाम पता नहीं ना, पढ़ रहे होंगे आप क्या नाम है। चले, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके वीडियो उधर भी देखो और सब्सक्राइब करो लाजमी। चलिए देखते हैं वीडियो, बाकी बातें बाद में। Here we go। मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें मत जलाना, कि मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें मत जलाना, मैं उसे रोता देखना चाहता हूं। कि मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें मत जलाना, मैं उसे रोता देखना चाहता हूं। मुझे पता है एक दिन वो लौट के आएगी, मैं उसे अपनी कब्र पे सर रख सोता देखना चाहता हूं। अगर इस साल बच गए तो नया साल आने की नहीं, ये साल जाने की पार्टी करेंगे। अरे क्या कहा? मैं और प्यार। अरे रॉन्ग नंबर है यार। जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत इच नहीं है। वो खुश होगी ऊपर से पर अंदर से घायल भी होगी, हो गई होगी कुछ समझदार पर थोड़ी पागल भी होगी। और क्या बोले, मुझे भूल चुकी, अमां छोड़ो तुम जाओ देखो, ससुराल में उसके गहनों में एक मेरी पायल भी होगी। मैं उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता, और वो कहते हैं तेरी हमसे जल रही है। अब मेरी तुमसे क्यों जलेगी, तुम्हारी खुद की सांसें 10 रुपए की विमल से चल रही है। औरत एक कमाल की चीज है, अगर ये बात सुन लिया तो एक बात और सुन लो, औरत कोई चीज नहीं है। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की। अरे तुमको साला मैसेज करते हैं, रिप्लाई क्या नहीं देता है? रे बे, अभी टाइम ही नहीं है रिप्लाई करने का, इसको रिप्लाई चाहिए। ओह नो, हे प्रभु, एक महिमा दिखा दे जो मुझे रिप्लाई ना दे, उसका मोबाइल का डिस्प्ले उड़ा दे। यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। ओ, तेरी बहन है ना, पता कैसे ठीक होगा तेरा मूड। बस एक और खा ले, अब ठीक है। कि मैं ना रहा पर मेरी मुस्कान अभी सच्ची है, कि मैं ना रहा पर मेरी मुस्कान अभी सच्ची है, तेरे बस की बात नहीं हम शायरों की मोहब्बत समझना, जा तू अभी बच्ची है। पानी में रहने वाले 3 जानवरों के नाम बताओ। मेंढक। हाँ, और दो? और उसके मम्मी पापा। मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है। क्यों मानूं? अरे मान लेना, तेरे बाप के क्या जाता है। ठीक है। हाँ तो उसमें से 5 मैंने ले ली, तो बता कितनी बची? 15। कैसे? मान लेना तेरे बाप को क्या जाता है। ये देख मेरी ब्रांडेड ड्रेस, बता कहाँ से लाई होंगी। मैं बताऊँ तू कहाँ से लाई है? हाँ बता। बोलो 150। बड़े लोगों में बैठकर अपने आप को जलील मत किया करो, अपने जैसों में रहो नवाबों की तरह। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला। भाई जरा चूहे मारने की दवाई दे देना। घर को लेके जानी है ना? चूहा यहाँ कोई ले आऊं, यहीं खिला दी दवाई, आ जाते हैं जाने कहाँ कहाँ से। पहले हम बहुत बियर पीते थे, उसके बाद मेरा एक शरीफ दोस्त मिला जिसने मुझे बताया कि माँ बाप का पैसा बचाना चाहिए। अब हम दोनों दोस्त मिलके पौआ पीते। जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो लोग अपनी औरतों की ऑपरेशन और डिलीवरी के वक्त लेडी डॉक्टर तलाश ना किया करें। मैं दिल को लेके कहां निकलूं, इतनी रात गए, मकान उसका कहीं आस पास भी नहीं है, मकान उसका कहीं आस पास भी नहीं है, और यहां तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं।
जिनके नाम में दो बार ए आता है वो दिल के साफ, बड़े ही प्यारे और क्यूट क्यूट होते हैं। आज तो मेरा तकिया और बिस्तर भी बोल पड़ा। थोड़ा उठकर बैठ जाओ, छत पर घूम लो तो थोड़ा हम भी सांस ले लें। जब बेटी का फोन साइलेंट मोड पे रहने लगे तो माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि दामाद जी ढूंढे जा चुके हैं। इतनी दफा सताया गया हूँ मगर खुदा मेरे हक में इंसाफ नहीं करता। एक बुरी आदत आज भी है मेरे अंदर, मैं किसी को माफ करके भी माफ नहीं करता। बताओ बादाम रोज खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते। किसी ने कहा था जलो मत, बराबरी करो। मैं कहता हूँ तुम जल ही लो, क्योंकि बराबरी तुमसे होगी नहीं। Excuse me. Yes. मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ यार। अरे जाए यहाँ से। अरे बन जाओ यार प्लीज यार। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा जहर खा के ना मर जाऊँ। लड़कियाँ होती ऐसी है, मर जाएंगी पर किसी गरीब का भला नहीं करेंगी। पता नहीं उसने बात कर लेना, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, लेते आऊंगा। मुझे ना महंगे तोहफे बहुत पसंद है, तो जब आओ वक्त लेते आना। तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, बाय। मैं तनु समझावा कि ना तेरे बिना लग। इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? इतने करीब क्यों आ रही हो, हिजर की रात है क्या? घर में बहुत चहल पहल है, खुशियों की सौगात है क्या? ये क्या देख रही हो खिड़की में से, ये तुम्हारी बारात है क्या? बहुत मुश्किल होता है बोला माँ, जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी। रास्ते में मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था, कौन था वो? बाबू तुमने किसी और को देखा होगा, मैं तो पूरा दिन घर में ही थी। तुम्हें रास्ते में चलते कभी मेरे जैसा कोई देखा है क्या? और बाबू जरा देख के बताना, यहाँ कुछ लिखा है क्या? मुझे घर में चारों तरफ दिखाई दे वो, मुझे कमरे की दीवारें उसके जैसी चाहिए। और अपने बाप की इज्जत की खातिर छोड़ा उसने मुझे, या अल्लाह मुझे बेटी उसके जैसी चाहिए। तूफानों से कह दो औकात में रहें, तूफानों से कह दो औकात में रहें। मेरा दोस्त पतलाए उड़ गया तो जिंदा गाड़ दूंगा। यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। ओ, तेरी बहन है ना, पता कैसे ठीक होगा तेरा मूड। बस एक और खा ले, अब ठीक है। तेरे मेरे इश्क के बारे में सबको बता दिया था मैंने, तेरे मेरे इश्क के बारे में सबको बता दिया था मैंने। जिंदगी में लगता है एक यही गुनाह किया था मैंने। जमाना जलेगा, हम और जलाएंगे। हमारे पहले बहुत दुश्मन थे, हम और बनाएंगे। माँ के गहने तक उतर गए बच्चों की किस्मत बनाने में, माँ के गहने तक उतर गए बच्चों की किस्मत बनाने में। और किस्मत वाले बच्चे माँ का चश्मा ना बना पाए सिर्फ पैसे बचाने में। ये गाना उनके लिए जो कोरोना वायरस के टाइम पे घर से बाहर जा रहे हैं। मारो सालों को। थैंक यू। मैं बुरा हूं मैं मानता हूं, मगर मैं आपको भी जानता हूं। लिबास काला आवाज काली, लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूं। लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूं। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूं। शर्त लगी थी खुदा से मेरी, हर बुरा दिन देख सकता हूं मैं। शर्त लगी थी खुदा से मेरी, हर बुरा दिन देख सकता हूं मैं। आज उसकी शादी है, इससे ज्यादा बुरा क्या देख सकता हूं मैं।
मैं आपसे पटूँ या ना पटूँ ये तो किस्मत की बात है, पर तुम ट्राई भी ना करो ये तो गलत बात है। मुंह से निकली हर बात सच्ची नहीं होती, और मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हर किसी की पसंद अच्छी नहीं होती। Excuse me? Yes? Can I get your number? Yeah, sure. हाँ बोलिए। 9811 सामने देख और चलता बन। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep riding. आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। वाह क्या बात, कैसी लगी आपको वीडियो? बिल्कुल सही ठीक लगी। क्या ठीक लगी? जो लगती है लगी क्या लगती है? कुछ नहीं लगता मुझे तो। अरिशा खान बहुत ही क्यूट लगती हैं, कमाल की वीडियोस होती हैं इनकी, और इनकी एक्टिंग तो कमाल है, और इनके एक्सप्रेशन लाजवाब। अरिशा खान को अभी टिकटॉक पे फॉलो करो, नहीं टिकटॉक तो बैन है इंडिया पे, इंस्टाग्राम पे अरिशा खान को फॉलो करो, और यूट्यूब चैनल भी है इनका शाहिद, उनको भी फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, जाके वीडियो उधर भी देखें। और भी कोई अरिशा खान की वीडियो है तो कमेंट करके बताएं, और लाइक कर दो इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और भी कोई टिकटॉकर आपके फेवरेट है कमेंट करके बताएं, उस पर रिएक्शन देंगे हम, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना।